नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ। समालखा के विधायक ने संभल में बनाए जा रहे पुल के साथ में सर्विस रोड नहीं बनाने से आ रही परेशानी का मुद्दा उठाया है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शोक प्रस्ताव पढ़े और विधायक के करीबियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन में वीर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कहा कि आसपास के रिहायशी इलाकों में बाढ़ के पानी को रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है। पानी का सुचारू प्रवाह सरकार की प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बजट सत्र के दौरान कहा कि समालखा में ऊपरी पुल के पास नाला और सर्विस रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसको 31 मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। को डेवलप कर रही है बीयूपी को, मगर हमने एनएचआई के रीजनल ऑफिसर से भी आग्रह किया है 31 मार्च से पहले पहले एक तरफ की ड्रेन और जो रोड है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो दूसरे तरफ का हिस्सा है जो दिल्ली से चंडीगढ़ आते हैं। रोहतक में युवा मोर्चा और लीगल सेल की बैठक आयोजित की गई। ओपी धनकर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। पार्टी स्थापना दिवस पर 5 लाख घरों पर पार्टी का झंडा लगाने का लक्ष्य लिया। की लड़ाई करती है, लेकिन उसमें से किस प्रकार से राहुल जी ने मर्यादा खोई है बाहर जाके, और विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष की बुराई करते करते एक तरह से वहाँ तक पहुँच गए जो किसी भी नेता को, प्रतिपक्ष के नेता को भी बाहर जाकर, वो ध्यान करिए जब अटल जी जिनेवा गए थे और सरकार कांग्रेस की थी, देश देश होता है और देश के बारे में जाके बाहर हल्का। केंद्र सरकार ने एसवाईएल विवाद में स्टेटस रिपोर्ट पेश की। पंजाब और हरियाणा सरकार में कोई समझौता नहीं हुआ। एसवाईएल पर 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। पलवल अनाज मंडी में सरसों की खरीद शुरू कर दी गई। हैफेड खरीद एजेंसी के द्वारा सरसों की खरीद की जा रही है। मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया है कि मंडी में सरसों की खरीद को लेकर के पुख्ता इंतजाम हुए हैं। सरसों सुखा के लाए, साफ करके लाए, ताकि उनकी सरसों खरीद में पिछड़े कोई दिक्कत नहीं आए। और जो सरसों का MSP का रेट है वो 5450 रुपये हैपड़ की एजेंसी खरीद कर रही है और बाकी खरीद हमारी 14 तारीख से ही शुरू। अम्बाला में सरसों की सरकारी खरीद का केंद्र शहजादपुर अनाज मंडी में बनाया गया और किसानों को MSP नहीं मिल पा रही। किसानों को अपनी फसल 4500 से लेकर के 5200 में बेचनी पड़ रही है। झज्जर में हजारों किसानों ने पहली बार गांधीगिरी प्रदर्शन किया और गांधीगिरी के बाद में किसानों ने चेतावनी दी है कि और कहा है कि सीएम वादा पूरा नहीं करते तो दिल्ली का पानी रोकेंगे। तहत गांधीगिरी सत्याग्रह, फूल लेकर के, गुलदस्ते लेकर, जैसे आप ये देख रहे, और हम उपायुक्त झज्जर शक्ति सिंह के माध्यम से प्रधानमंत्री। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने सिविल हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। 9 बजे के बाद अटेंडेंस लगाने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। अंबाला के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। अंबाला नगर निगम मेयर के खिलाफ हड़ताल की गई। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि मेयर के द्वारा कर्मचारियों के प्रधान के साथ सही तरीके का बर्ताव नहीं किया गया। सफाई कर्मचारी जिनकी 7 महीने से सैलरी नहीं मिली, और कोई भी अधिकारी जिसके पास भी जाते हैं फाइल आगे से आगे टेबल टू टेबल घूमती है, अब तक ना तो उनकी सैलरी हो रही है। भिवानी में चोरों ने व्यापारी के 5 लाख रुपए उड़ा दिए। व्यापारी ने दोपहर को ही बैंक से रुपए निकलवाए थे और व्यापारी ने पुलिस में शिकायत इसकी दर्ज करवा दी है। सिरसा में फर्जी फॉर्म बनाने करोड़ों का टैक्स चोरी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय में आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। हिसार के हांसी में 4 किलो की मूर्ति को पिघला करके बिस्कुटों में तब्दील कर दिया गया और हांसी पुलिस की CIA 2 की टीम के खिलाफ
एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें एडीजीपी ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया।